शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मोहतरम नाजरीन, मट्टी के प्याले में ऊँटनी का दूध डालकर पी लो, बदन में ताकत उभर आएगी। पकौड़े ज्यादा ऑयली ना हो तो तलते वक्त तेल में एक कतरा नींबू का रस डाल दें। खरबूजे के छिलके सफाई से पीस कर रख लें। जब गोश्त को जल्दी गलाना हो तो इसमें सिर्फ 3 चुटकी डाल दें, गोश्त जल्दी गल जाएगा। शाम को मीठी चीजें ना खाओ, कड़वी चीजें खाओ, इससे सेहत ठीक रहती है। नहारू दही खाने से याददाश्त बढ़ती है। सोते वक्त मुंह से पानी आता है तो जामुन का इस्तेमाल करें। लाल जीरा दूध के साथ खाओ, इससे जख्म जल्दी भरते हैं। चॉकलेट खाने से रंग सांवला हो जाता है। लाल मिर्चों को जलाकर इसकी धुनी लेने से बंद नाक खुल जाती है। प्याज की खुशबू सोने से दिल को ताकत मिलती है। बच्चा रात को सोता नहीं है तो शहद चटाएं। मेदे की कमजोरी का मसला है तो साबूदाना बनाकर खाएं। अगर भूख ना लगती हो तो आम का अचार खाने से भूख जल्दी लगेगी। सब्जी को ताजा रखना चाहती है तो पानी में सिरका मिलाकर सब्जी पर छिड़क दे, सब्जी ताजा रहेगी। शाम को चावल खाने से चर्बी बहुत तेजी से बढ़ती है। ज्यादा दही के इस्तेमाल से इंसान का मैदा जल्दी खराब नहीं होता। सुबह के वक्त दही खाने से मैदा बिल्कुल ठीक और फिट रहता है। अगर काम की वजह से थकन बहुत ज्यादा हो जाती है, जिस्म टूट रहा है, तो सरसों के तेल से 7 मिनट तक पाओ का खूब अच्छे से मसाज करें, इंशाल्लाह आराम आ जाएगा। जहनी और जिस्मानी सुकून मुयस्सर होगा, नजर भी तेज हो जाएगी। जो बच्चे दिन के बजाय रात के वक्त पैदा होते हैं वो ज्यादा जहीन होते हैं। ठंडे पानी से नहाने से खून तेजी से गर्दिश करता है। जिसके नाक की हड्डी टूट जाए, इसके लिए संगाड़ा लेकर इसका पाउडर 1 गिलास दूध में मिलाकर 1 टाइम पिए, 1 महीना इस्तेमाल करें। नींबू के छिलके नाखन पर रगड़ने से नाखन मजबूत होते हैं। मेदे की तजाबियत का मसला हो तो दही का इस्तेमाल बगैर चीनी के रोजाना करें। नाजरीन, 100 वाला दूध पियो, इससे रंग गोरा होता है। रोजाना नहारू नीम गर्म पानी पीने से आपका मेदा हमेशा तंदुरुस्त रहेगा। अगर आप हमेशा के लिए शुगर से बचना चाहते हैं तो बोतलों का इस्तेमाल कम कर दें, फ्रेश जूस पिए। खाम में अगर बकरी नजर आए तो जान लो कि आपके रिज़्क में बरकत होगी। मिश्री खाने से याददाश्त तेज होती है। करेले की सब्जी खाओ, सेहतमंद रहोगे। शर्म की कशिश हुसन से ज्यादा होती है। हैज के दर्द में अनारदाना खाने से दर्द में आराम मिलता है। नहारू चाय पीने से गुर्दों के खराब होने का खदशा बहुत हद तक बढ़ जाता है। एक तहकीक के मुताबिक भिंडी खाने से जहनी दबाव का खात्मा होता है। चावल खाकर दूध पीने से पेट खराब हो जाता है। तल्लक भी रिजक की तरह ही होता है, बदनीति आ जाए तो बरकत खत्म हो जाती है। अगर हमेशा जुआ रहना चाहते हैं तो दूध में गुड़ डालकर पी लें। अनानास का शरबत पीने से दिल और दिमाग को सुकून पहुंचता है। करेले की सब्जी हफ्ते में 2 बार खाएं, इससे मोटापा दूर हो जाएगा। खाना हमेशा हंसी खुशी खाया करें, खाना जल्दी हजम होता है। सेब नजर तेज करने के लिए बेहतरीन चीज है। टमाटर चेहरे के दाग धब्बे दूर करता है। आलू बुखारा खाने से कब्ज दूर होती है। तजाबियत की शिकायत हो तो अजवाइन को गुड़ में मिलाकर इस्तेमाल करें, तजाबियत खत्म हो जाएगी। गर्मी के मौसम में जुकाम की सूरत में दही में शक्कर मिलाकर खाएं, फायदा हासिल होगा। नाजरीन, इसके अलावा पेचिस, पेट के मरोड़, अदरक और दही में सुबह नहार लो, खाना भी मुफीद है। असर के वक्त 1 गिलास ठंडे पानी में 1 चम्मच शहद मिलाकर पीने से जिगर की गर्मी दूर हो जाती। नहार में अदरक का कावा बनाकर पियो, साथ में चलगोजे और खुबानी का ज्यादा इस्तेमाल करो। 10 दिन के अंदर बवासीर का खात्मा हो जाएगा। अगर किसी को गैस और हाजमे की शिकायत है तो अजवाइन को पीसकर इसमें तकरीबन आधी मकदार में काला नमक मिक्स करके रख लें। खाने के बाद आधा चाय वाला चम्मच खाएं, इंशाल्लाह हाजमा जबरदस्त हो जाएगा, कभी भी गैस की शिकायत नहीं होगी। छोटे बालों वाली औरत तिलों के तेल में सरसों का तेल और अंडा मिलाकर दही के साथ बालों में लगाएं, बाल बहुत जल्द लंबे हो जाएंगे। गन्ने का रस पीने से हिचकी बंद हो जाती है। जिस घर में प्याज का पौधा लगा हो वहां पर बिच्छू नहीं आते। दिमागी टेंशन में पानी ज्यादा इस्तेमाल करें, दिमागी टेंशन खत्म हो जाती है। गन्ने का रस पीने से मोशन आना रुक जाते हैं। किसी से हसद, बगज और रंजोगम जिस्म को गला देता है। मेहमानों को कभी भी अंधेरे में मत बैठाएं, से गस्से बरकत चली जाती है। अंधेरे में आटा मूनने से रिजल्ट तंग हो जाता है। जिगर की बीमारी में चेहरे की रंगत पीली पड़ जाती है। रात की रानी के पौधे की जड़ों का पानी निकालकर पीने से बड़ा हुआ पेट कम हो जाता है। नाजरीन, सौंफ ज्यादा खाने से नजला जुकाम खत्म होता है। मछली का तेल आपकी नजर को तेज करता है। हाथों पर जैतून का तेल और टमाटर मलने से हाथ नरम और मुलायम खूबसूरत हो जाते हैं। हाथों का खुरदरापन भी दूर हो जाता है। जिन अफराद को बलगम की प्रॉब्लम हो, इनके लिए बैंगन का सालन जबरदस्त है। शैम्पू में 1 चुटकी नमक और 1 चुटकी फटकरी मिलाकर सर धोने से खुश्की दूर हो जाती है।
मुनक्का खाने से पट्टे और जोड़ मजबूत होते हैं। चाय पीने से पेशाब में यूरिक एसिड की तादाद बढ़ जाती है। ज्यादा चाय गैस की प्रॉब्लम कर देती है। चाइना रबड़ वाला जूता पहनने से आपकी नजर कमजोर होगी, कद बढ़ने में भी मसला होगा। चने की दाल इस्तेमाल करने से आपके खून की रवानी हमेशा दुरुस्त रहेगी। काला नमक रोजाना चखने से पेट की सफाई होती है, गैस भी खत्म होती है। चाय पीने के बाद ठंडा पानी पीने से दांत जल्दी पीले पड़ जाते हैं। खाला शहद पानी में घोल कर पी लें, बाल गिरना बंद हो जाएंगे। कमर दर्द से निजात के लिए माश की दाल बगैर छिलके वाली दाल को गर्म पानी से धोकर धूप में खुशक कर लें। फिर इसमें बराबर मकदार में सौंफ मिक्स करके पीस लें, अलग अलग पीस लें, बाद में मिक्स करना है। एक चम्मच सुबह नहार मुँह खाएं। चंद दिनों में ये टोटका आप पर असर दिखाएगा, बेशुमार लोगों का आजमूदा है। खड़े होकर पानी पीने से मिर्गी का दौरा पड़ता है। ज्यादा मेहनत करने वाले इंसान को शकरकंदी का इस्तेमाल करना चाहिए, मगर शकरकंदी खाने के बाद पानी या कोई भी मशरूम नहीं पीना चाहिए। इससे हमारा पेट खराब हो जाएगा और हम कई बीमारियों में मुब्तला हो जाएंगे। भूख की कमी और कुफ्ते हाजा को बढ़ाने के लिए इमली की चटनी बनाकर इस्तेमाल करें। नहार में अनारदाना चूसने से 70 साल तक मोटापा आपके करीब भी नहीं आएगा। आवाज बैठ जाए तो गुड़ वाले चावल खाएं। फटी एड़ियों वाले अफराद रात को एड़ियों पर मोमबत्ती का मोम लगा कर सो जाएं। सुबह देखकर हैरान हो जाएंगे, इनकी एड़ियां बिल्कुल ठीक नजर आएंगी। खाली पेट कभी भी बाथरूम नहीं जाना चाहिए, क्योंकि खाली पेट बाथरूम जाने से आपके जिस्म के अंदरूनी अज़ा कमजोर होते हैं। बाद में खाना खाने से वो खाना भी हजम नहीं होता। नहाते वक्त पानी में अगर नारियल का तेल शामिल किया जाए तो पूरे जिस्म की जिल्द नरम मुलायम और चमकदार हो जाती है। चलते वक्त हमेशा छोटे छोटे कदम रखकर चलना चाहिए, ज्यादा कदम रखने से पेशाब वाली जगह पर सूजन आ जाती है। नाजरीन, अगर सुबह सवेरे मुंह धोने के बाद खीरे वाला पानी इस्तेमाल किया जाए तो मुंह पर कभी भी किसी किस्म के दाग नहीं पड़ते। जेवर के डब्बे में एक चाक रख देने से जेवर का रंग कभी काला नहीं पड़ता। मेहमान के आगे थोड़ा सा खाना रखना बेमरवती है और हद से ज्यादा खाना रख देना तकब्बुर है। तुलसी के चार दाने खाली पेट खाने से मोटापा कम हो जाता है। 4-5 दिन कच्चा प्याज खाने से पेट के सारे कीड़े मर जाते हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, जिससे हद से ज्यादा मोहब्बत हो इससे इतनी नफरत भी हो सकती है, क्योंकि खूबसूरत शीशा जब टूटता है तो खतरनाक हथियार बन जाता है। माँ बाप की इज्जत और इनकी खिदमत दुनिया में मौजूद दौलत है, आखिरत में बासे निजात है। केले को शहद में डुबोकर खाने से लकोरिया का मर्ज काफी हद तक ठीक हो जाता है। हमल के दौरान संतरे ज्यादा इस्तेमाल करने से अलाद खूबसूरत पैदा होती है। करेले की सब्जी हफ्ते में 2 बार खाओ, मोटापा कब्ज दूर और चेहरे की जिंद भी साफ हो जाएगी। अल्सर वाले मरीज 2 इलायचियों के दाने को 1 लीटर पानी में इतना जोश दें कि आधा लीटर रह जाए। इस पानी को महफूज करके रख लें। सुबह खाली पेट मरीज को पिला दें, इंशाल्लाह अल्सर का नाम भी बाकी नहीं रहेगा। मेथी दाने में फाइबर काफी मकदार में पाया जाता है। मेथी दाने के 2 या 3 बीज चबाएं से आपको फायदा हासिल होगा। रात को 2 गिलास पानी 1 चम्मच मेथी दाना भिगो कर रख दें। सुबह इस पानी को पी लें, वजन कम हो जाएगा। मेथी दाने से जिस्म की ग्लूकोज की सतह भी कंट्रोल करने में मदद फराहम करता है और शुगर को भी कंट्रोल करता है। दिन में सिर्फ 2 खीरे खाने से मोटापा तेजी से कम होने लगता है। गंदम के आटे की रोटी खाने से मैदा मजबूत हो जाएगा। खाना खाने के बाद सिर्फ आधा चाय का चम्मच सौंफ खा लो, आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी। असर और मगरब के दरमियान ताजा जलेबियां खाएं, इससे दिमागी कमजोरी दूर हो जाएगी और थकावट को भी कम करता है। दिन में 8 गिलास पानी हर सूरत पिया करें। चाय ज्यादा पीने से आपकी जिल्द खराब हो जाती है और नजर भी कमजोर होती है। इस मौसम में कच्ची लस्सी का इस्तेमाल इंसान के मेदे को तंदुरुस्त रखता है। घर में कुछ भी बनाए तो बांस की जड़ का सफूह 1 या 2 चुटकी डाल दें, इंशाल्लाह कद भी बांस की तरह तेजी से बढ़ने लगेगा, चाहे उम्र जो भी हो। सर के बालों में तेल लगाने से बालों में चमक आ जाती है और खुश्की खत्म हो जाती है। अगर आंतों में जख्म है तो बेर का इस्तेमाल फायदेमंद है। बेर आंतों की सेहत के लिए इंतहाई मुफीद चीज है, इससे होंठ भी साफ हो जाते हैं। सफर करने से दिल के दौरे और डिप्रेशन का खतरा कम होता है। ठंडा पानी चेहरे पर झुर्रियां लाता है। गन्ने के रस में अदरक मिलाकर पीने से गर्मी का एहसास नहीं होता। मुंह से बू आने लगे तो जामुन इस्तेमाल करो तो बू खत्म हो जाएगी। सेब के छिलके चबाने से बार बार पेशाब आने का मसला भी खत्म हो जाता है। अगर मेदे में गैस का मसला हो तो ग्रीन टी बनाकर पी लिया करें। केले के छिलके माथे पर मसलने से सर दर्द में आराम मिलता है। नहार में नीम गर्म पानी पीने से पेट की तमाम बीमारियां खत्म हो जाती है। मछली का सालन बनाकर खाने से दिल की बीमारी दूर होती है। पानी कम पीने वाले बंदे के गुर्दे जल्दी खराब हो जाते हैं।
कच्चा अमरूद खाओ, सुस्ती दूर होगी। सूखे धनिये की चटनी बनाकर खाने से खांसी रुक जाती है। कब्ज को खत्म करना चाहती है तो चाय के अंदर सौंफ डालकर पी लो, कब्ज खत्म हो जाएगी। इस मौसम में अक्सर लोगों को शहद की मक्खी काट लेती है, शदीद दर्द होता रहता है। ऐसी सूरत में फौरन डंग वाली जगह पर टमाटर का रस लगा दिया जाए तो फौरन दर्द खत्म हो जाता है। नारियल का तेल बालों में लगाने से बाल मजबूत होते हैं। अगर बाल काले करना चाहते हैं तो सरसों के तेल में बकरी का दूध मिलाकर बालों पे लगाएं, बाल काले हो जाएंगे और बाल गिरना भी बंद हो जाएंगे। मछली का सालन बनाकर खाने से दिल की बीमारी दूर होती है। लहसुन पर नमक लगाकर खाने से पेट दर्द में आराम मिलता है। पानी उबालकर पीने से बढ़ापा जल्दी नहीं आता, टेंशन ज्यादा लेने से बढ़ापा जल्दी आता है। जिन लोगों के जिस्म पर मोटापा हावी हो जाए वो लोग कच्चा खालसा रोजाना खाएं, इसे चंद दिनों में जिस्म की चर्बी पिघलने लगेगी और वजन में कमी हो जाएगी। नाजरीन, अगर आप अपने सर के जूहों को भगाना चाहते हैं, खुश्की को दूर करना चाहते हैं तो रोजाना चंबेली का तेल इस्तेमाल किया करें। नहार में इसबगोल का छिलका पीने से जिस्म की फालतू चर्बी पिघल जाती है। बेर खा लिया करो, जो दिल और हड्डियों के लिए नहायत मददगार साबित होते हैं। पीले रंग की लाइट लगाने से नजर कमजोर हो जाती है। क्रिकेट खेलने से कद लंबा होता है। आईना देखने से उम्र बढ़ती है। सब्ज रंग देखने से नजर तेज होती है। सफेद रंग के कपड़े पहनने से शख्सियत में निखार आता है। तहकीक के मुताबिक पॉपकॉर्न सेहत के लिए बहुत मुफीद चीज है, जो हड्डियों और दांतों के लिए अच्छे होते हैं। खून में हरकत पैदा करनी है तो सेब खाओ, हरकत तेज हो जाएगी। सर पर खाली जैतून के तेल की मालिश करने से इंसान का जहन तेज रहता है। जिसको कब्ज का मसला है, दूध में रोगने बादाम डालकर पी ले, कब्ज खत्म हो जाएगी। ज्यादा छींके आने लगे तो सब्ज दरिया सूंघ ले, छींके आना रुक जाएगी। पिस्ता खाने से बंदा फिट रहता है। जिस घर में मियां बीवी लड़ते हैं वहां हमेशा रिज़्क की तंगी ही रहती है। नाक में तेल डालने से ताकत मिलती है और नजर तेज होती है। प्याज की खुशबू सूंघने से दिल को ताकत मिलती है। नाजरीन, जिस घर की औरतें सर पर तेल लगाकर और बालों को सवार कर खाना बनाती हैं, इस घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता, खाना भी अच्छा बनता है। ऊँटने की चर्बी खाने से ताकत बढ़ती है। भिंडी खाने से औरत को फायदा हासिल होता है। दूध जलेबी खाने से जिस्म को ताकत मिलती है। जिस्म का हर किस्म का दर्द दूर हो जाता है। पका हुआ अमरूद खाने से मसाने की कमजोरी दूर होती है। सोने से पहले शहद चाट लेने से इंसान को नींद अच्छी आती है। पांव पर वजन डालकर खाना खाने से बढ़ापा जल्दी आता है। बड़े हुए पेट के लिए रोजाना खीरा खाने से चंद दिनों में बड़ा हुआ पेट अंदर चला जाता है। नाजरीन, हर दूसरे दिन इस गोल का छिलका दूध में डालकर पियो, सेहतमंद रहोगे। क्या आप जानते हैं कि आप परेशान हो तो माजी में रहते हैं, आप फिक्रमंद हो तो मुस्तकबिल में रहते हैं, आप सुख में हैं और चैन में हैं तो हाल में रहते हैं। हल्दी का इस्तेमाल चेहरे को जवान रखता है। चेहरे पर अगर टमाटर का रस लगाया जाए तो चेहरा फूल की तरह खिल उठता है। खाम में दुआ मांगना खुश नसीबी की अलामत है। दूध वाली चाय पीने से मोटापा कम हो जाता है। शाम के वक्त तंगी मत करें, इससे इंसान का दिल कमजोर होता है। जामुन खाने से पेशाब की नाली में इन्फेक्शन पैदा करने वाले बैक्टीरिया खत्म हो जाती है। नहार में अजवा खजूर दूध के साथ खाओ, दिल के अमराज में अफाका होता है। दमे की बीमारी हो तो शहद में चंद दाने दालचीनी के मिलाकर खाने से बीमारी खत्म हो जाती है। रात के वक्त चाय का इस्तेमाल करना छोड़ दो वरना पेशाब में इन्फेक्शन हो सकता है। ज्यादा बैठने से गुर्दों के संगीन अमराज का खतरा हो सकता है। नाजरीन, कोफ्ते पा में इजाफा करना चाहते हैं तो प्याज को दोपहर के वक्त इस्तेमाल करना चाहिए। इसका बाकायदा इस्तेमाल अजवाजी जिंदगी को खुशहाल कर देता है। खाने के फौरी बाद अगर आपको नींद आने लगे तो आप ज़हनी तौर पर सुकून की जरूरत है। रात को बकरी के दूध पी लो, इससे जिस्म में बेतहाशा ताकत आ जाएगी। अगर थकावट महसूस हो रही है तो पानी में नमक डालकर पी जाएं। जिन लोगों को सांस फूल जाती है वो बेर खाएं, इनकी ये बीमारी दूर हो जाएगी। मोटे औरत सुबह उठते ही नींबू और शक्कर का रस पानी में मिलाकर पी लिया करें, इससे वो हमेशा दुबली पतली और स्मार्ट रहेगी। हल्दी जिगर को खराब होने से बचाती है। अगर पेशाब करते वक्त जलन महसूस हो तो पेशाब करने से कबल थोड़ा सा ठंडा पानी पी लिया करें। औरत निस्वानी हुसन में इजाफा करना चाहती है तो कद्दू की सब्जी का ज्यादा इस्तेमाल करें। ठंडा पानी पीने से बाल जलना शुरू हो जाते हैं। जिन लोगों में खून की कमी है वो लोग ज्यादा बैंगन पका कर खाया करें। ठंडे दूध में ऐसे ताकतवर जरासीम होते हैं जो जिल्द को नरम हिस्सों को खूबसूरत बनाते हैं। खाना पकाते हुए या लतीफू या वदूद का वेद करें, इससे घर से बीमारियां लड़ाई झगड़े मियाँ बीवी की नचाकियां खत्म हो जाएंगी। प्यार मोहब्बत और चैन और सुकून आ जाएगा। सुबह का नाश्ता करने से इंसान बहुत सी बीमारियों से बच सकता है। एलर्जी चबाने से ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। जबान बदन का वो वाहन हिस्सा है जो चोट लगने पर फौरी ठीक हो जाता है।
आंख में कचरा पड़ जाने की सूरत में दूध के 3 कतरे डालें, इंशाल्लाह कचरा बाहर निकल आएगा। दही के ऊपर वाली बलाई को कील मुहासे पर लगाएं, कील मुहासे 2 ही दिन में खत्म हो जाएंगी। नाजरीन, अगर सर में शदीद दर्द रहता है तो सेब के छिलके पर नमक लगाकर चूसने से सर का दर्द उतर जाता है। थूकने के दौरान खून आना कैंसर होने की अलामत भी हो सकती है। जिसको खुराक अच्छी तरह हजम ना होती हो, गैस तंग करती हो, इसको चाहिए कि रोटी खाने से पहले या मकीतो 11 बार पढ़े। खाने से कबल 1 सेब खा लिया करो, दिमागी कमजोरी दूर होगी और इससे याददाश्त भी तेज हो जाएगी। अपने दिमाग को हमेशा तेज रखना चाहते हो तो कभी भी पेट भरकर खाना ना खाएं। अगर सोने से पहले अदरक चबा ले तो आपको कभी भी हार्ट अटैक नहीं होगा। जलेबी को दूध में डालकर पीने से जिस्मानी कमजोरी दूर होती है। नहार में केला खाओ, बेचैनी और जहनी दबाव खत्म हो जाएगा। नाजरीन, रात को खाली पेट दौड़ ले, 50 साल तक दिल की नसें कमजोर नहीं होती और ना ही इंसान को दिल का दौरा पड़ता है। दांतों में दर्द रहता है तो बकरे की चर्बी का तेल दांतों पर लगाएं। जिनको फिफड़ों की बीमारी का मसला है वो अक्सर गमगीन रहते हैं। जिस घर में लड़ाई झगड़े ज्यादा हों वहां कभी भी रिजक की फराखी नहीं हो सकती। दूध में किशमिश डालकर खाने से दिल को ताकत मिलती है। पेट में गैस भर गई है तो खाने वाला चम्मच सौंफ का पाउडर दिन में 1 मरतबा नीम गर्म पानी के साथ 1 छोटा सा चम्मच ले। ये आंखों की सेहत के लिए भी बहुत मुफीद है। हाई ब्लड प्रेशर से भी छुटकारा पा सकते हैं। दूध पिलाने वाली औरतों के लिए भी फायदेमंद है। दूध के साथ लाल जीरा खाने से जख्म जल्दी भर जाते हैं। मालिश करने से दिमाग को ताकत मिलती है। हामला औरत के पेट में दर्द रहता है तो नहार में इसबगोल का छिलका दही में शामिल करके खा ले। नाश्ते में डबल रोटी का इस्तेमाल करने से दुबले पतले लोग भी मोटे हो जाते हैं। नाजरीन, घर में जगह जगह चूंटियां सुराख बना लेती हैं। इनको भगाना है तो इनके सुराखों के इर्द गिर्द मट्टी वाला तेल लगा दें। घर से कीड़े मकोड़े दूर भगाने के लिए जामन की लकड़ी जलाकर 1 बार धुनी जरूर दें। टमाटर के साथ कभी दूध इस्तेमाल मत करें। खीरे के साथ पानी मत पिए। औरतों के अंदर खून की कमी हो जाए तो सरसों के तेल से जिस्म की मालिश करें और जाना खजूर का इस्तेमाल करें। दांतों से नाखून काटोगे तो नजर कमजोर हो जाएगी। गर्म रोटी के साथ दही मत खाएं। ठंडे पानी के बाद चाय मत पिएं। आलू ज्यादा खाने वाले बंदे का वजन बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। बहरेपन से निजात के लिए कानों में रोगने बादाम डालने से बहरापन दूर हो जाता है। अगर आप चूहों से तंग आ चुके हैं तो चूहों के बल के पास अंडे का खाली खोल रख दें, चूहे खुद बहुत भाग जाएंगे। शाम के वक्त सेब मत खाएं से कब्ज हो जाती है। ज्यादा बोलने वाले इंसान की दलील के अंदर कोई वजन नहीं रहता, इसलिए हमेशा कम बोलें। अपनी हर सुबह का आगाज कुरान मजीद की तिलावत से किया करें, इससे सारी मुश्किलात आसान हो जाती हैं। अदरक का जाना इस्तेमाल करने से इंसान कभी बीमारी का मुंह नहीं देखता। आलू ज्यादा खाने वाले बंदे का वजन बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। जो जितनी मुश्किलों से गुजरता है इसकी रूह इतनी मजबूत हो जाती है। जिसका करदार जितना मजबूत होता है इसके गांव इतने ज्यादा गहरे होते हैं। कलवंजी 99 बीमारियों की शफा है सवाए मौत की। 1 कप कलवंजी में 1 कप नींबू का रस डालकर धूप में खुशक कर लें, आधी चम्मच सुबह शाम खा लें, वजन बहुत तेजी से कम हो जाएगा। नाजरीन, चीनी के बगैर नींबू का पानी बनाकर पीने से सांस की बदबू खत्म हो जाती है। नहार में नींबू के चंद कतरे मुंह में डालने से ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। आंखों पर जैतून के तेल का मसाज करने से नजर तेज होती है। घुटनों में दर्द रहता है तो ड्राई फ्रूट को दूध के साथ इस्तेमाल करो। बादाम, अखरोट, काजू ये चीजें ताकतवर होती हैं। जब सकरात को जुरान का सबसे अक्लमंद शख्स करार दिया गया इस पर वो बोला, जो सबसे ज्यादा अपनी जहालत से बाखबर है वही सबसे ज्यादा अक्लमंद है। बदन में सुस्ती पैदा होने लगे तो सरसों के तेल की मालिश करनी चाहिए। खाना खाकर सिर्फ 1 खजूर खा लिया करो, इससे पेट में गैस नहीं बनेगी। 1 चुटकी काला नमक नहार में चखने से दिल का दौरा नहीं पड़ता। दिल कमजोर हो तो नीम गर्म पानी में नमक डालकर पी लिया करो। सफर पर जाने से पहले पुदीने की डंडियां चबाने से कैर मतली का मसला नहीं होता। नहार में दूध में शहद डालकर पीने से बनाई तेज होती है। कच्ची रोटी खाने से पेट की बीमारियां जन्म लेती हैं। जिसकी नजर कम हो रही है इसलिए मछली का सालन बनाकर खिलाओ, उसकी नजर भी तेज हो जाएगी। बड़े पेट जमा करने से पैदा होने वाला बच्चा सुस्त और कुंद ज़हन होता है। अगर दिल की धड़कन तेज हो जाए तो नहार में प्याज और शहद मिलाकर खाया करो। घर में झाड़ू को खड़ा करके रखने से कौवे ज्यादा आते हैं। अगर घर में सौंफ का पौधा हो तो घर में सांप नहीं आते। जिस घर में खरगोश हो उस घर में कभी फालज की बीमारी नहीं होती। कीकर की लकड़ी को चबाने से जिस्म की एलर्जी खत्म होती है। जिस घर में नीम का दरख्त हो इस घर में बहुत सी बीमारियां नहीं आती। सफेदे के पत्ते चबाने से 50 साल तक जुकाम नहीं होता।
नाजरीन, 100 साल तक तंदुरुस्त और जवान रहना चाहते हैं तो रात को इस गोल का छिलका पानी में गोल कर पी लिया करो। केला छिलने के बाद इसके छिलके कचरे में फेंकने की बजाय वाश बेसन की नाली और बर्ची खाने में डाल दें, इससे लाल बेग नहीं आएंगी। नाश्ते में गंदम का दलिया खाने से शुगर का मर्ज खत्म हो जाता है। नहार में एक गिलास निमकोल वाला पानी पीने से मोशन कभी नहीं लगते। जुड़वा बच्चे पैदा करने हैं तो केले का मिल्कशेक बनाकर पी लिया करें। अदरक की चाय पीने से सीने की जकड़न और शदीद नज़ले ज़ुकाम में इंतहाई मुफीद है। अगर आप मुसलसल खाते रहोगे तो आपको हार्ट अटैक नहीं होगा। सुबह नहार में 2 दाने अंजीर के खाने से आपको जिंदगी भर छाती का कैंसर नहीं होगा, शुगर की बीमारी दूर होगी और ब्लड प्रेशर का मसला भी दोबारा नहीं होगा और जोड़ों के दर्द का मसला भी हल हो जाएगा। 4 से 5 अदद अंजीर और आधा चाय का चम्मच अजवाइन 2 गिलास पानी में डालकर इतना जोश दें, जब पानी आधा रह जाए तो इसको पी लें। हफ्ते में 2 बार ऐसा अमल करने से बहुत सी बीमारियां और सांस की तकलीफ खत्म हो जाएगी। नाजरीन, कैल्शियम की कमी दूर हो जाएगी और हड्डियां भी मजबूत हो जाएंगी। 1/2 कप सेब के जूस में 1/2 कप चुकंदर का जूस और 1/2 चम्मच पिसा हुआ अदरक डालकर मिक्स कर लें और इसे पी लें। कुछ अर्सा इस अमल को जारी रखें, इससे कैल्शियम की कमी दूर हो जाएगी और उठते बैठते जोड़ों के पटाखे निकलना भी बंद हो जाएंगे। आम को ठंडा किए बगैर खाओ, इससे कमर का दर्द गायब हो जाएगा। नहार में आम खाने से घुटनों का दर्द खत्म हो जाता है। आम दही के साथ खाने से कब्ज फौरी खुल जाती है। पानी कम पीने से होंठ काले और रूखे हो जाते हैं। नाजरीन, ऊंट का गोश्त खा लो, आपकी उम्र बढ़ जाएगी। सुबह के वक्त 1 टमाटर खा लिया करो, जिंदगी भर आपके बाल सफेद नहीं होंगे। उबले हुए पानी के साथ दवा लेने से दवा जल्दी असर करती है। सब्जी का सालन ज्यादा खाया करो, बदन की खूबसूरती में इजाफा होता है। खीरा खाया करो, जिंदगी भर आपको सांस की बीमारी नहीं होगी। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखेगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।